और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 5G सेवा की शुरुआत होने वाली है। आज कार्यक्रम है दिल्ली के प्रगति मैदान में और वहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। आज से देश में 5G क्रांति होने जा रही है और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुकेश अंबानी भी वहां पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे और वो इस सेवा का शुभारंभ करेंगे। आज से भारत डिजिटल की दुनिया के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है और रफ्तार की एक ऐसी क्रांति आने वाली है जो आपकी दुनिया को बदल कर रख देगी। भारत में 5G का इंतजार क्योंकि खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में 5G सेवा को लॉन्च कर देंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में हो रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी 5G सेवा को लॉन्च करेंगे। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी भी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जियो भी 5G सेवा में उतर रही है। 5G तकनीक से मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति आएगी और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक तेज रफ्तार मिलेगी। दिल्ली से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रगति मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी 5G सेवा का शुभारंभ करने वाले हैं। एक डिजिटल क्रांति होने जा रही है देश में। आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। सूचना क्रांति में एक नए युग की शुरुआत होगी आज। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। 5G के क्षेत्र में भारत प्रवेश करने जा रहा है और इस मौके पर आपको बता दें कि प्रगति मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और ये क्रांति ऐसी होगी जो आपकी दुनिया को बदल कर रख देगी। 5G का इंतजार जो भारत कर रहा था वो अब से कुछ देर में खत्म होने वाला है क्योंकि कुछ ही देर में 5G सेवा को लॉन्च करने के लिए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है जिसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 5G सेवा को लॉन्च करेंगे। इस मौके पर आपको जो तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ये कार्यक्रम है क्योंकि आपको बता दें कि जियो भी 5G सेवा में उतर रही है। 5G तकनीक से मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में एक क्रांति आने जा रही है और साथ ही साथ ये क्रांति भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक तेज रफ्तार देगी। प्रधानमंत्री 5G सेवा की शुरुआत करेंगे, कुछ देर में वो पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जो ताज़ा तस्वीरें इस कार्यक्रम से निकलकर सामने आ रही है, मुकेश अंबानी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और देश को 5G की सौगात वो देंगे। 5G सेवा की शुरुआत भारत में आज से हो जाएगी। इसका जो इंतजार किया जा रहा था वो अब खत्म होगा। 5G की रफ्तार के लिए भारत तैयार है। डिजिटल इंडिया के युग में एक नए विजन की इससे शुरुआत होगी। 5G सेवा की लॉन्चिंग अब से थोड़ी देर में होगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इससे कई तरीके से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। डेटा स्ट्रीमिंग और जो बफरिंग की शिकायत मिलती है उससे हमें निजात मिल जाएगी। साथ ही जो डाउनलोडिंग की प्रक्रिया होती है वो और भी ज़्यादा सरल हो जाएगी क्योंकि 5G तकनीक में स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो प्रगति मैदान से ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन और इस वक्त जो ताज़ा तस्वीर है, मुकेश अंबानी इस कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं क्योंकि जियो इसमें प्रवेश करने जा रहा है। 5G क्रांति जब देश में हो रही है, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और प्रगति मैदान से इस सेवा का शुभारंभ करेंगे क्योंकि 4G का जो पुराना जमाना है वो अब पीछे छूट गया है। 5G की रफ्तार के लिए भारत तैयार है, देश तैयार है। डिजिटल इंडिया का जो विजन है उसमें एक और कदम भारत आगे बढ़ाने जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इससे ये भी कहा जा रहा है कि एक क्रांति तो आएगी ही, डिजिटल क्रांति तो होगी, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक तेज रफ्तार इसके बाद मिलेगी और भारत इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के CMD मुकेश अंबानी की तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे और देश को 5G की सौगात वो देंगे। दिल्ली से लाइव तस्वीर प्रगति मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन जहां से थोड़ी देर बाद 5G का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं क्योंकि मुकेश अंबानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 5G की जो सेवा होगी उसमें जियो जो है वो उतर रहा है और ऐसे में 5G तकनीक से मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में एक नई क्रांति आने वाली है क्योंकि अब जो इंटरनेट की स्पीड होगी वो पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। जो डाउनलोडिंग की स्पीड होती है वो बढ़ जाएगी। 5G की लॉन्चिंग अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने वाली है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कि इस कार्यक्रम का नाम है,
प्रगति मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 4G का जो जमाना है वो गया। कई देशों में पहले से ही 5G मौजूद है और भारत में भी अब इसका इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है। कुछ ही वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और देश को 5G सेवा की सौगात वो देंगे। आज से देश में 5G क्रांति आने वाली है और डिजिटल इंडिया का जो विजन है उसमें एक और कदम आगे भारत बढ़ाने जा रहा है क्योंकि अब 5G की रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी। डिजिटल इंडिया के का ये नया विजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे और 5G सेवा की वो शुरुआत कर देंगे। इस वक्त की तस्वीरें, जो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुकेश अंबानी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं क्योंकि जियो भी इस क्षेत्र में कदम रखने जा रहा है और यकीनन ये 5G तकनीक जो है वो मोबाइल और इंटरनेट में हमारे लिए कई सुविधाएं लेकर आने वाला है। तस्वीरें लगातार आपके सामने, थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे उसके बाद इस सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी और देश को 5G की रफ्तार मिलेगी। भारत इसके लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहा था और ऐसे में आज वो दिन है, अब से थोड़ी देर का वक्त बचा है जब प्रगति मैदान के इस में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और देश को 5G की सौगात वो देंगे। दिल्ली से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त थोड़ी ही देर में देश में 5G क्रांति होगी क्योंकि इस कार्यक्रम में ही 5G सेवा की शुरुआत की जाएगी, शुभारंभ होगा अब से थोड़ी ही देर में। जियो ने भी इसमें कदम रखा है और इसीलिए जो तस्वीर अभी आप लाइव देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम की तस्वीर लाइव सामने आ रही है। प्रगति मैदान से ये कार्यक्रम, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो इस कार्यक्रम का नाम है, वहां पर इस वक्त तैयारियों का जायजा लेते हुए मुकेश अंबानी को आप देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में, कुछ ही वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और देश को अब 5G रफ्तार की सौगात वो देंगे। तो दिल्ली से लाइव तस्वीर लगातार प्रगति मैदान के इस कार्यक्रम से हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन वहीं पर हो रहा है और किस तरीके की तैयारियां की गई हैं इसको लेकर, इसका जायजा लेते हुए मुकेश अंबानी दिखाई दे रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे तो उनके द्वारा ही इस सेवा की शुरुआत की जाएगी और भारत को डिजिटल विजन, जो डिजिटल इंडिया का विजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है उसमें एक और कदम आगे भारत बढ़ाने जा रहा है। करीब 32 मिनट का वक्त बाकी है, 10 बजे का वक्त दिया गया है जब इस सेवा की शुरुआत भारत में कर दी जाएगी। 4G की रफ्तार से आगे बढ़कर अब 5G की रफ्तार से देश दौड़ेगा और इससे कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक तेज रफ्तार मिलेगी। एक डिजिटल क्रांति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कई देशों में पहले से ही 5G सेवा मौजूद है, भारत इसके लिए लगातार इंतजार कर रहा था लेकिन अब ये इंतजार भारत के लिए आज और अब से थोड़ी ही देर में कहें कि खत्म होने वाला है। देश में 5G सेवा की शुरुआत हो जाएगी और एक इंटरनेट क्रांति होगी। मोबाइल और इंटरनेट का जो युग है इसके क्षेत्र में एक और कदम आगे भारत बढ़ाने जा रहा है और इससे हमारे जिंदगी में कई तरह के बदलाव आएंगे। 5G क्रांति के लिए देश तैयार है। थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, शिरकत करेंगे और उनके द्वारा ही इस सेवा की शुरुआत होगी। तो लगातार दिल्ली के प्रगति मैदान से इस कार्यक्रम की तस्वीर, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो इस कार्यक्रम का नाम है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं जब देश 5G के युग में कदम रखने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में 5G सेवा देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रगति मैदान से इस वक्त की ये लाइव तस्वीर है। जियो भी क्योंकि 5G सेवा में कदम रख रहा है, उतर रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी पहुंचे हैं और वहां पर तमाम लोगों से वो बात करते हुए यहां की तैयारियों का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय, तो देखिए दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम का आयोजन और वहां से सीधी तस्वीर, इस वक्त की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ ही वक्त बाकी है, कुछ मिनटों का इंतजार और कह लीजिए जब भारत में 5G की रफ्तार कदम रखने जा रही है। डिजिटल इंडिया का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस क्षेत्र में एक और कदम भारत आगे बढ़ाने जा रहा है। 5G का इंतजार जो देश कर रहा था, देश के लोग कर रहे थे, अब से कुछ देर में वो इंतजार खत्म होने वाला है। 4G की स्पीड अब पीछे छूट जाएगी और 5G की रफ्तार से
भारत दौड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ेगी, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में ये एक बड़ा कदम भारत रखने जा रहा है। डिजिटल क्रांति और डिजिटल युग में भारत एक नए कदम के साथ प्रवेश करने जा रहा है। प्रगति मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर अब से थोड़ी ही देर में 5G सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पहुंचेंगे और जियो क्योंकि इस 5G सेवा के क्षेत्र में कदम रख रहा है, ऐसे में मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन वहां पहुंचे हैं और वो तमाम लोगों से, अधिकारियों से बातचीत करते हुए किस तरह की तैयारियां वहां की गई है इस कार्यक्रम को लेकर इसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मुकेश अंबानी और आकाश अंबानी को आप देख सकते हैं जो तमाम अधिकारियों से वहां पर बातचीत कर रहे हैं, फिलहाल तस्वीरें ले रहे हैं। हल्का फुल्का वहां पर माहौल नजर आ रहा है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे और देश में 5G क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। 5G सेवा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जो 4G की रफ्तार है वो अब पीछे छूट जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी भी कार्यक्रम में आपको मौजूद दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जियो भी 5G सेवा में उतर रही है और 5G तकनीक से मोबाइल और इंटरनेट के क्षेत्र में एक क्रांति आने वाली है। अब से कुछ ही देर का इंतजार बाकी है, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इसके बाद एक तेज रफ्तार मिलेगी। राष्ट्रपति